Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome. तो आज हमने बनाई है स्पेशल बनाना चोको कुल्फी। ये कुल्फी बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही चटपट रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि ये ऐसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, रेसिपी कैसे बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए बनाना यानी कि केले, तो 5 तक मैंने लिए मीडियम साइज़ के। तो ये इस साइज़ के आपको आसानी से मिल सकते हैं, आप बाज़ार में मार्केट से ही आसानी से इस साइज़ के ले सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून हम लोग लिए डार्क चॉकलेट, और ये मैंने लिए मोल्ड्स, कुल्फी के मोल्ड्स मैंने लिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और 4 to 5 टेबल स्पून हम लोग लेंगे मिल्क पाउडर यानी कि सूखा दूध, और यहाँ पर हम लोग लेंगे 1 कप दूध, 5 चम्मच हम लोग लेंगे सूखा दूध और 1 कप हम लोग लेंगे फ्रेश मिल्क। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें आज की ज़बरदस्ती रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज देखने के लिए बच्चों की दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सारी चीज़ों को हम लोग सेट कर लेंगे और करीब लिए बनाना चने के केले, तो इनके हम लोग कुछ तरीके से छिलके उतार लेंगे। तो छिलके हम लोग उतार लेंगे और इन्हें साइड पर रख लेंगे। सुबह जी बहुत ही मज़े की बनती है बनाना कुल्फी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इंशाल्लाह लुत्फ़अंदोज़ होंगे। वैसे भी आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और आगे मज़ीद बढ़ेगी, तो आप ये ट्राई करें और मज़ा उड़ाएं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बग़ैर कुक किए हम लोग बनाएंगे कुल्फियों को, बग़ैर कुक किए, तो बहुत ईजी मेथड है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारा लास्ट बनाना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे के छिलके उतार लिए हैं, तो इसे हम लोग साइड पर कर लेंगे और करीब ले आएंगे ब्लेंडर जार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ब्लेंडर जार में हम लोग ऐड करेंगे ये अपने केले जिनके हम लोगों ने छिलके उतार लिए हैं, तो कुछ तरीके से हम लोग ऐड कर लेंगे। और रिवर्स केले ऐड करने के बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो व्यूअर्स, अब हम इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो चलिए तब मिलते हैं जब हम इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो व्यूअर्स, हम लोगों ने ब्लेंड कर लिया, अब हम लोग ढक्कन हटा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो व्यूअर्स, अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिल्क पाउडर हम लोग ऐड कर देंगे, और मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे डार्क चॉकलेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस डार्क चॉकलेट भी हम लोगों ने ऐड कर लिए, तो अब हम लोग इसे दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे और अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो हम लोग इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड किए अच्छे तरीके से हाल हो जाए, मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी से भी हम लोगों ने ब्लेंड कर लिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो अच्छी तरीके से हम लोगों ने ब्लेंड कर लिए इसे, तो इसे हम लोग सेट पर कर लेंगे। सो बस ये है हमारे मोल्ड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनके हम लोग ढक्कन हटा लेंगे सारे, तो ये भी आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे बाज़ार से, मार्केट से, किसी भी शॉप से भी आप लोग ले सकते हैं, यूटेंसिल शॉप से आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग इन्हें ट्रांसफ़र करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस तरह मोल्ड्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बारी बारी सारा हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये आइसक्रीम बहुत ही मज़े की बनती है और गर्मियों का तोड़ है, गर्मी का तोड़ है। और गर्मी में वैसे भी दिल करता है कि कोई ठंडी आइसक्रीम, ठंडी चीज़ खाई जाए, तो ये उसके लिए बेस्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऐड कर लिया अपने मोल्ड्स के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह जब हम लोग इसके ऊपर ये कैप्स रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुछ इस तरीके से हम लोग रखेंगे कैप्स। तो अब ये फ्रीज होने के लिए एकदम रेडी है। तो आप चाहें तो इसे 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, मैं तो ओवरनाइट रख रहा हूँ, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने टाइम के लिए रखते हैं। तो चलिए तब मिलते हैं जब हमारी कुल्फियाँ एकदम
फ्रीज़ हो जाएंगी। सुबह से अलहमदिल्ला हमारी कुल्फियाँ जो है फ्रीज़ हो चुकी है, तो अब पहले हम लोग इन्हें पानी में डिप करेंगे और फिर निकालेंगे। तो चलिए मिलते हैं तब जब हम इन्हें पानी में एक मिनट के लिए डिप कर लेंगे। सो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह कुल्फी हमारी फ्रीज़ हो चुकी हैं, तो अब हम लोग इन्हें निकाल लेंगे। तो पानी में हम लोग इन्हें डिप कर लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कोई सी भी प्लेट ले लेंगे और उसके अंदर निकाल लेंगे किसी भी डिश में। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त है हमारी बनाना चोको कुल्फी। तो इसी तरीके से हम लोग सारे निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे अपनी सारी कुल्फियाँ। तो तैयार है हमारी आज की ज़बरदस्त सी कुल्फियाँ। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ बच्चों को दीने को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।